Welcome to Gyan Shree Education. In my previous videos, I had explained question of Language 1 English and Environmental Studies that came in CTET exam September 2016, paper 1st meant for 1st to 5th. Today's subject is Child Development and Pedagogy. So let's have a look on question number 1. Which of the following is a characteristic of a gifted learner? गिफ्टेड लर्नर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? गिफ्टेड लर्नर क्या होता है कि जिनकी एबिलिटीज जो है उन्हीं की एज के बच्चों से ज्यादा होती हैं, यानी कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स जो उनको उन्हीं की एज के बच्चों से ज्यादा या अलग करती है. ऐसे बच्चों के लिए स्कूल्स में चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें सर्विसेज और एक्टिविटीज कराई जाएं, ताकि वो उनकी अपनी स्किल्स में और ज्यादा आगे एक्सेल कर सकें, बढ़ सकें. ऐसे बच्चों को नए नए चैलेंजेस फेस करने का इंटरेस्ट होता है. अगर हम उन्हें ट्रेडिशनल या यूजुअल वे से पढ़ाएंगे तो उन्हें बोरियत होती है. अब ऑप्शंस में देखें. फर्स्ट ऑप्शन में ही कैन फील अंडर स्टिम्युलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग एनफ. जैसे मैंने बताया कि जो गिफ्टेड लर्नर होते हैं उनको नए नए चैलेंजेस फेस करने अच्छे लगते हैं. अगर उनको यूजुअल और ट्रेडिशनल वे से पढ़ाया जाएगा तो वो बोर हो जाएंगे. तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये करेक्टरिस्टिक्स है गिफ्टेड लर्नर की. सेकेंड, ही इज हाईली टेम्परामेंटल. टेम्परामेंटल होता है जो अस्थिर चित वाले, यानी जिनकी सोच सडनली चेंज होती रहती है, तो ये गिफ्टेड लर्नर का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. थर्ड ऑप्शन, ही एंगेजेस इन रिटेलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एटसेट्रा. ये इस तरीके से भी जो करेक्टरिस्टिक्स है ये गिफ्टेड लर्नर की नहीं है. और जो लास्ट ऑप्शन है, ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो ये भी गिफ्टेड लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. गिफ्टेड लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय. क्वेश्चन में कह रहा है कि टीचर कैसे लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, यानी कि कैसे एनहांस कर सकते हैं इफेक्टिव लर्निंग क्लासरूम में. ऑप्शंस में है ड्रिल एंड प्रैक्टिस. ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक तरह से रेपिटिशियस एक्सरसाइज होती है. जैसे क्लास में हम पहाड़ों को यानी टेबल्स को याद कराते हैं, तो वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है. तो इससे कोई इफेक्टिव लर्निंग एनहांस नहीं हो रही, तो इट शुड नॉट बी द राइट आंसर. सेकेंड ऑप्शन में एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंगस्ट हर स्टूडेंट्स. जैसे कि हमें पता है कि नो टू स्टूडेंट्स लर्न द सेम वे. हर स्टूडेंट का अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है या क्रिएटिव लेवल होता है वो डिफरेंट होता है. और एक टीचर को चाहिए कि वो उन बच्चों के साथ कनेक्टेड रहे, यानी कि ए टीचर शुड नो द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स. उस हिसाब से वो अपने एक कंबाइनिंग टीचिंग स्टाइल को यूज करके टीचिंग और लर्निंग को है प्रोवाइड कर सके बच्चों को. तो कंपटीशन एनकरेज करने से क्या होगा कि जो वीकर स्टूडेंट्स होंगे उनका मॉरल डाउन हो जाएगा. तो ये भी एक आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी एनहेंस नहीं करेगा इफेक्टिव लर्निंग को. थर्ड है कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ये ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि टीचर को स्टूडेंट्स के साथ जितना वो कनेक्टेड रहेगा, यानी टीचर को जितना स्टूडेंट्स के बारे में पता होगा, उनकी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, तो वो उसी हिसाब से एक मिक्स्ड कंबाइनिंग स्टाइल ऑफ टीचिंग को यूज करके लर्निंग प्रोवाइड एटमोसफेयर प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग. रिवॉर्ड्स देना अच्छी बात है अगर कोई रिमार्केबल अचीवमेंट होती है स्टूडेंट की तो, बट एनहेंस करना हो इफेक्टिव लर्निंग के लिए तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स.
In question number 3, which of the following statements about children are correct? In statements में से कौन सी statements ठीक हैं? तो पहली statement कहती है, children are passive recipients of knowledge. Constructivism एक theory है, जो ये कहती है कि knowledge हमेशा actively construct की जाती है अपने experiences से. मतलब जैसे जैसे हमें लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं, नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो हम उसको पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ रिकंसाइल करते हैं. तो इसका मतलब ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि पैसिव रिसिपिएंट नहीं है, नॉलेज हमेशा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस और थ्रू द अडेप्टेशन प्रोसेस. सेकेंड, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स. हमें पता ही है कि चिल्ड्रन हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में हम एंगेज रहते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स की तरह वो एक्ट करते हैं और वो एक्टिवली एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं. इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट बी सी डी है वो करेक्ट है, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है. इट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 4. Which of the following is an example of effective school practice? इनमें से कौन सी प्रैक्टिस स्कूल में होनी चाहिए? पहली है corporal punishment. Corporal punishment means physical punishment, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. Second, individualized learning. Individualized learning, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि no two students learn the same way. हर बच्चे का अपना अलग इंटरेस्ट होता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो हमें इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पर फोकस करना चाहिए स्कूल में, ताकि हम हर बच्चे के हिसाब से उनका विकास कर सके, उनकी लर्निंग प्रॉपर हो सके. कॉम्पिटिटिव क्लासरूम और कंपैरेटिव इवेल्युएशन, ये प्रैक्टिस भी नहीं होनी चाहिए. जैसे पहले भी बताया कि इससे वीकर स्टूडेंट्स का मॉरल डाउन होता है, तो एक कंपटीशन वाली स्पिरिट नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट भी काफ़ी ट्राई कर रही है कि इस कंपटीशन लेवल को रिड्यूस कर सके, क्योंकि ये बच्चों के अंदर स्ट्रेस को ही बढ़ाती है जबकि लर्निंग को एनहेंस नहीं करती. हेंस सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 5. The cephalopodal principle development explains how development proceeds from. Cephalopodal principle एक general principle है development का, that starts from head to toe. इसका मतलब कि development proceeds from head and then to arm and then to legs. यानी कि सबसे पहले बच्चे का दिमाग यानी बौद्धिक विकास होता है, फिर आर्म्स, फिर लेग्स. तो सिफेलोपोडल प्रिंसिपल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टॉप से बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम. तो इसका आंसर रहेगा हेड टू टो. जो बाकी के ऑप्शंस हैं, डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस रॉन्ग, रूरल टू अर्बन एरियाज रॉन्ग, जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस रॉन्ग. इसके साथ ही एक और टर्म आती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करती है फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, यानी के स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप करती है और उसके बाद जो फिंगर्स और टोज मसल्स जो फाइन ग्रिपिंग में काम आती हैं वो डेवलप होती हैं. तो ये टर्म भी पूछी जा सकती है पेपर में. Cephalopodal principle, where development proceeds from head to toe, and in proximodistal principle of development, development proceeds from center to outward of the body. In question number 6, which of the following are secondary agents of socialization? Socialization का मतलब क्या होता है कि हम अपनी society में कैसे behave करते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से relate करते हैं. जो सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है ये वो स्मॉल ग्रुप होता है विद इन अ लार्ज सोसाइटी जहां हम सोशलाइज करते हैं. वो स्मॉल ग्रुप, फॉर एग्जांपल, स्मॉल ग्रुप विद इन लार्ज सोसाइटी, फॉर एग्जांपल स्कूल. स्कूल के अंदर
हम नॉलेज और लर्निंग ऐसी स्किल्स तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ बच्चों को सोशल स्किल्स भी सीखने मिलती है कि अपने पीयर्स के साथ कैसे सोशलाइज करना है, इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना है, रूल्स को कैसे ओबे करना है। तो सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं स्कूल में। तो स्कूल हमारा सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हो गया, क्योंकि वो एक स्मॉल ग्रुप हो गया विद इन अ सोसाइटी। इसका मतलब सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द फैमिली होती है, मतलब फैमिली में नहीं, फैमिली से बाहर होगी। तो इन ऑप्शंस में जहां भी फैमिली की बात होगी वो ऑप्शन हमारे गलत होंगे। जैसे कि पहला है स्कूल एंड नेबरहुड, ये ठीक है। स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स आ गया, इससे गलत, क्योंकि सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन जो होती है वो फैमिली आउटसाइड फैमिली होती है, तो रॉन्ग। फैमिली एंड रिलेटिव्स अगेन रॉन्ग, फैमिली एंड नेबरहुड अगेन रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। सेवेंथ क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट किस पीरियड में होती है? ऑप्शंस में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वो बर्थ से 2 इयर्स तक का होता है, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 8 इयर्स, मिडिल चाइल्डहुड 9 to 11 इयर्स, एडोलसेंट 12 to 18 इयर्स, एडल्टहुड 18 से अबव। प्रीनेटल जो पीरियड होता है, टाइम बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड बर्थ, यानी प्री बर्थ, बर्थ से पहले का जो कॉन्सेप्शन से और बर्थ होने से पहले का पीरियड प्रीनेटल पीरियड होता है। क्वेश्चन में कहता है लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन से पीरियड में होती है, तो हमें पता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो जो प्राइमरी लैंग्वेज जो घर में बोली जाती है उसका पीरियड होता है 0 to 6 इयर्स तक। 2 साल तक तो जो लैंग्वेज होती है वो नॉन वर्बल होती है, 3 to 6 इयर्स तक जो है वो वर्बल होती है। तो 3 to 6 हमारा किस में आता है? अर्ली चाइल्डहुड में। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी, ऑप्शंस वी हैव डिक्टेटोरियल, परमिसिव, फैसिलिटेटिव और ऑथोरिटेटिव। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में रोल ऑफ टीचर को फैसिलिटेटर की तरह डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि टीचर को स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि टीचर एनेबल द स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, व्हाई टू लर्न। स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि उन्हें कैसे लर्न करना है, क्या लर्न करना है, क्यों लर्न करना है। टीचर एक तरह से उनकी गाइड की तरह उनको फैसिलिटेट करेगा, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा ताकि वो उन एक्टिविटीज को कर सके, यानी कि फैसिलिटेटर की तरह एक टीचर का रोल होना चाहिए, NCF 2005 ये कहता है। बाकी ऑप्शंस का सो फैसिलिटेटिव इज द करेक्ट आंसर एंड अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। इन क्वेश्चन नंबर 9, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, फर्स्ट इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स, सेकेंड इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, थर्ड कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, फोर्थ इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। देखो असेसमेंट इसलिए की जाती है ये चेक करने के लिए जो एजुकेशन के गोल हैं वो अचीव हो पा रहे हैं या नहीं, इसलिए असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट एक तरह से फीडबैक होती है टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। स्टूडेंट्स की असेसमेंट होती है तो उससे पता चलता है कि स्टूडेंट को किस किस एरिया में वो वीक है और इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। टीचर के लिए भी वो असेसमेंट एक तरह से फीडबैक होती है, अगर उसका एक मोड ऑफ टीचिंग फिट नहीं बैठ रहा तो वो दूसरे मोड ऑफ टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फीडबैक होती है। ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यही कहता है कि असेसमेंट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स, हेंस फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 10,
According to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemes as per new information. These two processes are known as, we have option, assimilation and adaptation, equilibration and modification, assimilation and accommodation, accommodation and adaptation. Jean Piaget ने अपनी थ्योरी में दो प्रोसेसेस पर फोकस किया था, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पे. मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर. एक स्कीमा बनाया है मैंने डॉगी का, यानी स्कीमा होता है जो अभी एग्जिस्टिंग थॉट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक पैटर्न ऑफ नॉलेज जिससे हम अपनी एनवायरमेंटल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो स्कीमा है. जैसे कि फोर लेग्ड एनिमल, ये एक स्कीमा है. बच्चे को ये पता है कि दो लेग्स वाले ह्यूमन बीइंग होते हैं और चार लेग वाले जो है वो एनिमल होते हैं. तो एक ये स्कीमा डेवलप है माइंड में एक बच्चे के. अगर वो चार लेग एनिमल को, चार लेग वाले किसी भी प्राणी को देखेगा तो वो उसको एनिमल समझेगा. अब एसिमिलेशन का मतलब होता है टू एड, यानी कि जो उसका एग्जिस्टिंग थॉट स्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें में वो कुछ नई चीज ऐड करे ताकि वो फिट हो सके उसकी इंफॉर्मेशन के साथ और वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे. जैसे इधर एसिमिलेशन में क्या है, अब अगर वो बच्चा किसी काओ को देखता है, उसकी भी चार टांगे हैं, तो वो सोचेगा कि काओ एनिमल है पहली बात तो. फिर वो ये सोचेगा, उसका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था कि जो डोगी है वो चार लेग्स का एनिमल है, तो यानी कि वो क्या फिट करने की कोशिश करेगा कि काओ जो है वो डोगी है. यानी उसने अपनी एग्जिस्टिंग थॉट स्ट्रक्चर में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में वो ऐड कर रहा है कि डोगी की भी चार टांगे होती हैं और काओ की भी चार टांगे हैं, तो काओ यानी डोगी है. उसने फिट करने की कोशिश करी इस इंफॉर्मेशन को. ऐड तो हुआ, एक काओ एक नई इंफॉर्मेशन थी जो उसमें ऐड हो रही है. बट क्योंकि काओ डोगी नहीं होती, तो इसका मतलब एकोमोडेशन में क्या है कि उसको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है एग्जिस्टिंग स्कीमा में. यानी चेंज करना पड़ेगा उसको अपने थॉट स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ, कि उसको ये देखना, वो ये ऑब्जर्व करेगा, वो ये एक्सपीरियंस करेगा कि जो स्मॉल फोर लेग एनिमल है वो तो डॉगी है, जिसकी लंबी है टांगे वो काऊ है, जो घर में पाया जाता है वो डॉगी है, जो फॉर्म में पाया जाता है वो काऊ है. इसका मतलब उसने अपनी इंफॉर्मेशन में चेंज किया एक्सपीरियंस के थ्रू और एक नई इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई और उसका स्कीमा जो है वो चेंज हो गया. ठीक है, तो इस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं. एसिमिलेशन मतलब कुछ ऐड करना और एकोमोडेशन मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करके नई इंफॉर्मेशन निकल कर आना. तो जीन पियाजे ने एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था. तो इन ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है. एक टर्म इक्विलिब्रेशन को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था. इक्विलिब्रेशन होता है बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. इसका मतलब अगर हमारा थॉट स्ट्रक्चर, जो अभी एग्जिस्टिंग थॉट स्ट्रक्चर है, वो फिट हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली एनवायरमेंटल की उस सिचुएशन के साथ, तो वो एक तरह से इक्विलिब्रेशन के पॉइंट पर है. यानी कि बिना मॉडिफिकेशन के अगर उसकी सिचुएशन फिट हो रही है तो वो इक्विलिब्रेशन के पॉइंट पर है. यानी इट इज द पॉइंट बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. एनीवेज, जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, ये दो चीजें हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रही हैं, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 11. इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट इज रिस्ट्रिक्टिव, डिस्करेजेस इंक्लूजन, थर्ड एनकरेजेस रेपिटिशन,
फोर्थ प्रमोट्स डिस्कवरी. प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो बच्चों का, उनका इंटरेस्ट हो, उनके नए नए आइडियाज निकल कर आए, जिससे एक तरह से डिस्कवरी प्रमोट हो, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब उन अगर कोई चीज ठीक करता है कोई बंदा तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो सेक्शन को फिर से रिपीट करे, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं. तो ऐसे होने चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम जिसमें कि न्यू आइडियाज निकल कर आए, एक क्रिएटिव एनवायरमेंट हो जो कि प्रमोट करे डिस्कवरी को. इसका मतलब फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है. रिस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए क्लासरूम एनवायरमेंट. डिस्करेजेस इंक्लूजन, इंक्लूजन तो मैक्सिमम होना चाहिए. इनकरेजेस रेपिटेशन, रेपिटेशन ना हो, न्यू आइडियाज आए, क्रिएटिविटी हो. इसका मतलब डिस्कवरी प्रमोट्स डिस्कवरी, मतलब न्यू आइडियाज जो है वो जनरेट हो, क्रिएट हो क्लासरूम में. इस तरीके की डिस्कशन होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट की किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एक्टिविटी से लेकर. तो फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर इज एन फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इनेट क्वालिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट या बायोलॉजिकल एंटिटी. जेंडर, जैसे हम मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, ये एक तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट है, इंसान का बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है. तो ये कोई बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है या बाय गॉड इसका नहीं होता डिफ्रेंशिएशन की भगवान ने बनाकर भेजा है ये मेल है ये फीमेल है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. तो सीधा सा सोशल कंस्ट्रक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन 13th क्वेश्चन, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड फर्स्ट segregate and label children based on their marks, engage in a dialogue with students and value their perspectives, third, impose strict rules upon his students, fourth, have uniform and standard ways of teaching and assessment. जैसे कि ये पहले भी questions में explain किया है कि no two children learns the same way. यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में. कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअली ज़्यादा अच्छे होते हैं दूसरे बच्चों से, तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में उसको कैटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए. जितना टीचर बच्चों के साथ कनेक्टेड होगा, जितना उसको पता होगा कि बच्चों की क्या वीकनेस और स्ट्रेंथ है, उतना ही वो उनको बढ़ाने में ज़्यादा कैपेबल होगा. यानी कि जितना वो उनसे बात मतलब कनेक्टेड रहेगा और उनके पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू करे, मतलब उसको इम्पोर्टेंस देगा, उतना ही ज़्यादा जो है बच्चे एक्सेल कर सकेंगे. तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है. जो बाकी के ऑप्शंस हैं जिसमें कि लिख रखा है कि सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, मार्क्स के बेसिस पे हम लेबलिंग नहीं कर सकते क्योंकि कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा होता है, नॉन एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होता. तो इस तरीके से लेबलिंग करनी चिल्ड्रन की कि एक अच्छा बच्चा है वो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए. स्ट्रिक्ट रूल्स भी स्टूडेंट पर इम्पोज नहीं होने चाहिए और एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड वे भी नहीं होना चाहिए. जैसे जैसे नीड है क्लासरूम की, जैसे जैसे एनवायरनमेंट है क्लासरूम का, बच्चों का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग का मेथड है वो होना चाहिए. कोई स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म मेथड नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. सेकेंड इज दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज detrimental to children without disabilities, will increase the burden on schools, requires a change in attitude, content and approach to teaching, is an unrealistic goal. Question says कि children with special needs, यानी कि children जो किसी चीज में disabled हैं, उनको भी right होना चाहिए कि वो normal students जो उनकी age के साथ उनकी age के हैं उनके साथ वो अपनी एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट करें या और एक्टिविटीज में उनके साथ उनको जो है मौका मिलना चाहिए. तो ये एक तरह का रियलिस्टिक गोल है, अनरियलिस्टिक गोल नहीं है.
ना ही ये स्कूल पर कोई बर्डन कर रहा है, क्योंकि हम टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, स्पेशल टीचर्स को उन बच्चों के लिए. और इसीलिए जो ये इंक्लूजन है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, जिससे कि हम जो CWSN बच्चे हैं उनको भी उनकी एज के बच्चों के साथ पढ़ने का राइट उनको मिल सकता है, क्योंकि वो सक्षम होते हैं उनके साथ बैठकर पढ़ने के लिए. तो इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू लिव वाइगोट स्काई, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, थर्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, एंड फोर्थ इज इक्विलिब्रेशन. लेव वाइगोट्स्काई के तीन मेन जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें पहली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये थी कि जैसे पियाजे ने बोला था कि ए चाइल्ड शुड बी कॉग्निटिवली रेडी टू लर्न, लेव वाइगोट्स्काई ने इसको इसके अपोजिट बोला था कि ऐसी कोई प्रिपेयर्डनेस या रेडीनेस की जरूरत नहीं होती, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे से लर्निंग हो रही है तो बच्चा किसी भी स्टेज पर सीख सकता है. दूसरा जो लेव वाइगोट्स्काई ने बोला था वो प्रिंसिपल था स्कैफोल्डिंग का, यानी कि स्कैफोल्डिंग होता है अगर बच्चा किसी की गाइडेंस में कोई काम करता है, जैसे एडल्ट गाइडेंस होगी या पीयर गाइडेंस है. स्कैफोल्डिंग की टर्म भी दी थी उन्होंने, यानी कि लर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एडल्ट गाइडेंस और पीयर गाइडेंस. और थर्ड जो दिया था उन्होंने वो कहा था कि सोशल का जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड की लर्निंग पर, यानी सोशल इंटरेक्शन का भी थ्योरी लेव वाइगोट्स्काई ने दी थी. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है. बाकी के ऑप्शंस में क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, ये हमने अभी पढ़ा है कि मेंटल स्कीमास की जो थ्योरी थी ये जीन पियाजे की थी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा. स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, ये भी एक तरह से बिहेवियरल लर्निंग का होता है, ये पैवलोव इन्होंने दिया था, ये जिसमें कंडीशनल ये एक टॉपिक है, कंडीशनल पैवलोव वगैरह ने दिए थे, लेव वाइगोट्स्काई ने नहीं दिया था. इक्विलिब्रेशन भी जो टर्म थी वो जीन पियाजे की दी हुई थी, जैसे मैंने भी बताया था पहले. तो जो सोशल इंटरेक्शन है वो हमारा आंसर बनता है. सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.